ओम शांति। हम सुन रहे हैं आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अंग संग रहने वाले सभी महान विभूतियों के जीवन के वो पर्सनल अनुभव जिन्होंने उनके जीवन को एक सुंदर मूर्ति के रूप में गढ़ दिया और आज अनेक ब्रह्मावत्स उनके उस जीवन के अनुभवों के आधार पर प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं और सभी लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे ही यज्ञ के एक पुरातन भ्राता जी दादी जी के साथ बिताए हुए अपने 50 वर्षों के अनुभवों को साझा करते हुए कह रहे हैं कि दादी के चेहरे में एक ऐसी चमक थी जैसा उनका नाम प्रकाश मणि था, तो वो पवित्रता का बल, वो त्वचा, वो चेहरा जैसे चमकता हुआ प्रतीत होता था। दादी जी का चेहरा जैसे ऐसे किरणें बिखेरता था जैसे बाबा शांति के सागर हैं तो शांति की किरणें बिखेर रहे हैं। अब शांति की किरणें शांति के सागर से निकलती हैं ये तो समझ आता है, लेकिन दादी जी का जीवन ही, क्योंकि 50 वर्ष उनके सानिध्य में रहे, भ्राता जी बता रहे हैं कि हमने कभी दादी को अशांत नहीं देखा, कभी उदास नहीं देखा, सदा मुस्कुराता हुआ देखा। जैसे बाबा प्रेम के सागर है, दादी जी भी प्रेम की देवी थी। जो आ जाए, ऐसे नहीं कि अभी क्यों आया है, ये कोई समय है, ऐसा प्रेम भरा रहता था कि कितनों को दूं, थक गई, ये वाली भावना ही नहीं आती थी। इसीलिए बाबा के समान उनको भी प्रेम के सागर, सुख के सागर जैसा देखने से ही प्रतीत होता था। दादी सबके लिए जैसे सुखदायिनी थी, कोई भी दुखी व्यक्ति अपना कष्ट, अपनी कोई समस्या लेकर आता था, दादी को बताते ही, अभी निवारण सुना भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता था जैसे किसी जख्म पर किसी ने मरहम लगा दिया हो, एक हाथ ही फेर दिया हो और वो जख्म ठीक हो गया। कभी स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी ना दादी ने कोई दुख लिया है ना कभी दिया है। और जैसे भगवान को आनंद का सागर कहते हैं, दादी जी को भी हमने अकेले बैठे बाबा की यादों में अतींद्रिय सुख का आनंद लेते, मग्न होते हुए देखा। तो जैसे भगवान सर्व शक्तियों के सागर हैं, दादी जी भी बड़े से बड़े कार्य का बीड़ा उठाती थी तो ऐसी अष्टधात्री बन जाती थी जैसे सारी शक्तियां दादी के अंदर आ गई हों, वो देवी रूप प्रतिष्ठ हो जाता था। उनकी शक्तियां, उनके कर्म, उनके बोल से, उस बोल में जो अथॉरिटी पवित्रता की होती थी वो नजर आती थी। ऐसा लगता था दादी जी के लिए हर कर्म जो है वो संभव हुआ पड़ा है, असंभव शब्द दादी जी के बोल से व दादी जी के कर्म में कभी भी हमने नहीं देखी। तो ये तो दादी जी के जीवन से ही ये धारणाएं बाबा के समान बनने की दिखाई पड़ती थी, जो हर ब्रह्मावत्स उसका लाभ लेता था। भारत जी बता रहे हैं कि हमने मम्मा बाबा की खूब पालना ली है, परंतु ये कभी नहीं सोचा था कि बाबा मम्मा चले जाएंगे या दादी जी निमित्त बनेंगी, तो दादी जी की भी भरपूर पालना हमें मम्मा बाबा के समान एक मार्गदर्शन के रूप में प्राप्त हुई थी। बताते हैं कि एक बार मैं दादी जी के साथ बैठा था तो मैंने कहा, दादी मैं तो बाबा का भोला बच्चा हूँ। भोला बच्चा हूँ अर्थात यज्ञ में तो बहुत बड़े बड़े महारथी बच्चे हैं, बड़ा बड़ा भाषण करते हैं, मैं तो भाषण आदि नहीं कर सकता। बड़े भोले भाव से जैसे दादी से शेयरिंग कर रहे थे, तो दादी ने कहा, आधा मिनट तक तो चुप रही पहले, फिर बोला, तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम्हें मालूम है तुम बाबा के बहुत समझू सयाने बच्चे हो, तभी तो देखो आप प्रेस आदि का, ज्ञानमृत आदि का इतना कारोबार संभाल रहे हो, ये कोई साधारण बच्चे थोड़ी ना कर सकते हैं, ये तो समझू सयाने बच्चे कर सकते हैं। तो भ्राता जी ने तुरंत बोला, दादी ये तो बाबा करा रहा है ना, ये मैं कहाँ कर रहा हूँ। तो दादी ने कहा, भाई जी यही तो समझू सयानेपन की निशानी है, जो सब कुछ करके ये मानना मैं नहीं कर रहा बाबा करा रहा है। तो सोचिए, कराने वाला करा रहा है, ऊपर वाला चला रहा है, वास्तविक समझ यही है। तो दादी ने जैसे ये शब्द कहकर मन की जो उलझन थी वो समाप्त कर दी और जैसे प्रेस चल रही थी और अच्छी रीति उमंग उत्साह से बढ़ती रही।
फिर एक बार कभी कभी समय प्रति समय दादी सभी डिपार्टमेंट में चक्कर लगाती थी तो दिल लेती थी माना कोई बच्चे कोई बातें मन में रखकर बैठे हैं तो दादी माँ की तरह मन हल्का करने पहुंच जाती थी। तो एक बार भ्राता जी ने बोला, दादी जब से प्रेस शुरू हुई है, ये जो भी ज्ञानमृत आदि छपाई आदि का कार्य शुरू हुआ, तो कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते देखना आगे चलकर तुमको ये समस्या आएगी, ऐसा होगा, तो समस्याओं का बहुत वर्णन करते हैं। कई संबंध में ऐसी बातें आती भी हैं, परंतु पता नहीं ऊपर वाला कैसे चाबी घुमा देता है और बात का समस्या का समाधान कर देता है। तो दादी को बताया कि ऐसे ऐसे निर्विघ्न कार्य छपाई का चल ही रहा है। तो दादी ने बहुत अच्छा वरदान दिया। दादी ने कहा, बस ऊपर वाला कर रहा है ना, तो जैसे ऊपर वाला चाबी घुमाकर कार्य कर लेता है, ऐसे ही आगे भी करता रहेगा, तुम निश्चिंत रहो। तो जैसे दादी के वो शब्द पर्सनली उनको प्राप्त होना भ्राता जी को, ऐसा लग रहा था मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो इतने बड़ी महान विभूति मेरे लिए ऐसे सुंदर महावाक्य उच्चारण करे कि तुम निश्चिंत रहो, बाबा तुम्हारा कार्य ऐसे ही निर्विघ्न करता रहेगा। इसी प्रकार एक बार किसी महारथी ने काफी तकलीफें सहन करने के बाद शरीर छोड़ा, तो दादी से बातचीत करते हुए बोला कि दादी बस बाबा ऐसा करे कि तकलीफ सहन करके हम ना जाए, माना किसी की बात सुनकर कहते हैं ना बाबा ऐसी मौत नहीं दे, आराम से बस चले जाए, ऐसा जैसे शेयर करते हैं ऐसा उन्होंने भी शेयर किया। बस ऐसा कोई पुरुषार्थ करे जो सेवा करने के बाद भी तकलीफें आती है ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो दादी एकदम ऑफिशियली बोली, भाई चुप। क्यों चुप? क्योंकि ये भी तो भगवान पर संशय उठाना हुआ ना कि सेवा करके और फिर मुझे ये करना पड़ा, ये मुझे समस्या चुप तू करनी पड़ी। तो उन्होंने भगवान के प्रति संशयात्मक शब्द नहीं सुनने पसंद दादी को। उन्होंने कहा, नहीं ये सब हिसाब किताब चुप तू हो रहे हैं, जमा भी यहाँ जन्म जन्म का होता है, तो जन्म जन्म के हिसाब भी चुप तू हो रहे हैं। आखिर पॉलिशिंग तो यही होनी है ना, कुछ भी कोई भी कार्य होगा उसकी निपुणता कहाँ आएगी, बाबा के ही यज्ञ में सीखेंगे। और अगर कोई हिसाब किताब लेन देन यहाँ चुप तो हो जाएगा तो अच्छा है ना। देखिए दादी जी का नजरिया क्या था, उन्होंने कहा देखो अगर हिसाब किताब यहाँ चुप तो हो जाएगा तो धर्मराज के सामने उसको सलाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ही क्या होगा, क्योंकि उसका अकाउंट क्लियर है, उसने हिसाब किताब के द्वारा योग के द्वारा अपना भोग भोगना जो भी थी समाप्त कर ली, तो उसको धर्मराज आकर सलाम करके जाएगा। फिर तो भाई ने कहा, दादी बस हम तो फिर तो बैठे बैठे उड़ जाएं, हमें तो यही पुरुषार्थ करना चाहिए। तो दादी ने कहा, हाँ इसके लिए ही तो बाबा कहते हैं शरीर में रहते शरीर से न्यारे होने का अभ्यास करो तो आत्मा एक सेकंड में उड़ जाएगी, ये भी संभव हो सकता है। ऐसी दादी जी बिना किसी शब्दों की परिभाषा दिए बिना भी मन के भाव को समझकर उत्तर देकर मन को इतना हल्का बना देती थी। कई बार प्रेस की छपाई में कुछ चीजें ऐसी छपती भी थी जिसको अक्सर दिखाने के लिए दादी जी के पास जाना पड़ता था, कोई पोस्टर बन रहे हैं, चित्र, पत्रिकाएं, पुस्तक छपते रहते थे, तो उस कारण बार बार दादी जी के सम्मुख जाने का एक सुंदर सुअवसर मिलता था। कई बार तो ज्ञानमृत के भी चित्र लेख आदि जब दादी को हम दिखाते थे तो बहुत ध्यान से देखती थी और देख कर जैसे एक जिम्मेवार व्यक्ति होता है पूछती थी, भाई आजकल कितनी पत्रिकाएं छपती हैं? तो उस समय की बात है, उस समय 1,60,000 के करीब पत्रिकाएं छपती थी। तो जब दादी जी को ये संख्या बताते थे दादी बहुत प्रसन्न होती थी, कहती थी देखो एक पत्रिका का खर्च और उसका बचत पूरा हिसाब बताओ मुझे, माना बिल्कुल एक्यूरेट, लॉ भी चलाना है तो एक्यूरेसी। तो हिसाब पूछकर फिर कहती थी, मतलब कोई भी बुक के विषय में कोई साहित्य होता था तो कोई मार्गदर्शन देनी हो कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ये दो पेज एक में मर्ज हो जाएंगे, तो उसका प्रोत्साहन देती थी, उससे इतनी हिम्मत आती थी जो काम
करना भी होता था, यानी कारोबार जो सेवाओं की मिली हुई थी वो इतनी उमंग से दुगना होकर काम हो जाता था। और दादी जी ऑब्जर्व भी करती थी, क्यों हर डिपार्टमेंट में जाती थी, क्योंकि देखती थी अच्छा इनके पास इतना है, ये काम है, ऐसा है, इनको सेवाधारी चाहिए, बिना मांगे जैसे सुविधाएं प्रदान करती थी। क्योंकि भ्राता जी बता रहे हैं कि पहले बाइंडिंग आदि के लिए कोई अलग स्थान नहीं हुआ करता था, वहीं छपाई होती थी मशीन के साइड में, वहीं पर ही बाइंडिंग भी चल रही होती थी। तो दादी जी ने एक बार मशीन का उद्घाटन करने के लिए जब आई तो केवल ये नहीं उद्घाटन किया और चली गई, नहीं, ऑब्जर्व करती थी सब जगह। तो उन्होंने देखा कि जगह तो यहाँ कम है, कारोबार ज्यादा है, तो खुद ही उन्होंने कहा यहाँ एक और बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग आपको इस प्रेस की सेवाओं के लिए दी जाएगी। कहा नहीं किसी ने, डिमांड भी नहीं करी, लेकिन बिना मांगे जैसे दादी जी मददगार बनकर किस सेवा की कहाँ जरूरत है वहां उस सुविधा को प्रदान करती थी। दादी जी के वरदानी बोल जीवन का ऐसे आधार बन जाते थे, जो निर्विघ्न रीति भ्राता जी बता रहे हैं मेरा जीवन चलता रहा, वो जो उनके गुण मूरत की छवि है वो साकार बाबा की भांति दिल में छपी हुई है। और वो छपी होने के कारण जितने भी ब्रह्मावत्स जैसे भी पालना में पल रहे हैं, लेकिन हर कोई उस भावना को कैच करते थे, इसलिए हर किसी को उनसे अपनेपन की भावना आती थी। दिल्ली की भी एक बहुत सीनियर राजयोगा टीचर बहन दादी जी के अंग संग रहने का अनुभव बता रही हैं कि मैं भी अपने को बहुत भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे दादी जी की पालना, मार्ग प्रदर्शना, सानिध्य छोटेपन से प्राप्त हो गया। क्योंकि प्रथम मुलाकात दादी जी की उनसे कानपुर में हुई थी, जो कि दादी उनके लौकिक घर कानपुर में था वहीं आई थी, और उस समय उनकी आयु मात्र 9 या 10 वर्ष थी। दादी जी की दृष्टि, बहन बता रहे हैं कि बहुत ही अलौकिक, मधुर, रूहानियत से भरपूर और शक्तिशाली थी। देखती थी तो ऐसा लगता था आत्मा को जैसे करंट दे रही हूं, अंदर से शक्ति प्रदान कर रही हूं, ऐसी शक्तिशाली दृष्टि। छोटी सी आयु में ही दादी ने जैसे इनसे प्रश्न किया, क्या बोला, क्योंकि नाम था आशा, तो दादी ने बोला तुम किसकी आशा हो? तो पिताजी का नाम और माताजी का नाम लेकर बोला इनकी आशा हो या बाबा की आशा हो। तो दीदी बता रहे हैं अपना अनुभव कि वो शब्द, वो प्रश्न नहीं था, जैसे मेरे जीवन का एक लक्ष्य प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा एक संकेत था कि मुझे क्या चूज करना है, करना है तो अभी करना है, फिर ये मौका नहीं मिलने वाला। तो उन शब्दों ने जैसे कान में गूंज गूंज कर मुझे आखिर बाबा का बना ही दिया। ऐसी बाबा के अंदर जैसी पारदर्शिता थी, बिल्कुल वही छवि दादी जी के जीवन में भी दूसरों को, किसी भी आत्मा को देखने की वो पारदर्शिता की नजर थी। किसी भी आत्मा के संपर्क में दादी जी आती थी या कोई आत्मा दादी के संपर्क में पहुंचता था तो किसी को पहली मुलाकात में ऐसा लगता ही नहीं था कि हम दादी को पहली बार मिल रहे हैं। ऐसे अपनत्व की महसूसता आती थी, ऐसा लगता था दादी जी बोलती भी थी ना तो वो बोल से ही अपना बना लेती हैं। ऐसी अनुभूति हर एक आत्मा को वो मातृभाव का, वो आत्मीयता का, वो मित्रता की महसूसता होती थी। दादी जी में प्रशासन करने की कला टॉप क्लास थी, एकदम कुशल प्रशासक। यदि देखना हो तो दादी जी को देखो, क्योंकि कोई भी कार्य, एक तो वो कार्य नहीं समझती थी, हर कार्य को ईश्वरीय सेवा समझती थी। और जिस सेवा शब्द में ईश्वर शब्द जुड़ जाए तो दादी कहती थी ये तो असंभव हो ही नहीं सकता है, संभव हुआ ही पड़ा है। ना ही खुद किसी कार्य को असंभव समझती थी और ना ही किसी और को असंभव समझने देती थी। कलकत्ता की बात सुना रही हैं, 1974 में कलकत्ता में एक बहुत बड़ा मेला हुआ था और दादी जी का लगभग 15 दिन से अधिक वहां रहना हुआ था।
और मेले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि सब बुलाई हुई थी, मीडिया आई हुई थी, प्रेस रिलीज बनानी थी। और उस समय वहाँ कोई बड़े भाई जो यज्ञ के ज्यादा रिटर्न काम जो भी करते थे, मैटर बनाना आदि, ऐसे कोई बड़े भाई उस समय वहाँ नहीं थे। तो आशा दीदी जी वहां थे, तो उन्होंने, दादी जी ने उनको बुलाया और कहा, तुम अभी यहाँ बैठकर प्रेस की जो भी विज्ञप्ति बनानी होती है वो आप बनाओ। तो उन्होंने बहुत सहज भाव से कह दिया, दादी प्रेस रिलीज मुझे बनानी है, मैंने तो कभी ऐसे बनाया भी नहीं है। तो दादी जी ने बहुत सहज भाव से कहा, देखो कोई भी कार्य हम पहले दिन से नहीं करके सीखते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो बनाओगी। बोला हाँ जी। तो कहा, वो कभी को अभी क्यों नहीं बना देती। सोचिए कितनी दूरांदेशी बुद्धि से आज ही उस गुण को उभार देना, ये दादी जी की कला थी। उन्होंने कहा, यही समझो वो जो दिन कभी मैं बनाऊंगी वाला है वो दिन आज ही है। तो दादी जी ने अपना उदाहरण देकर कि यज्ञ में कैसे लिटरेचर आदि लिखने का कार्य शुरू हुआ, उस समय भाई नहीं थे, हमें ही सब कार्य करना होता था, तो जैसे बाबा ने हमको सारे कार्य करने सिखाए, ऐसे हमें भी ऑलराउंडर बनना है। तो दादी अपने इन शब्दों से, अपने जीवन के अनुभव से गाइडेंस देती थी और ऑलराउंडर बनाती थी। और दूसरे ही दिन प्रेस रिलीज अखबारों में बहुत ही सुंदर रीति छप गई। दादी जी का जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो भी एक अलग ही प्रकार की खूबी थी, क्योंकि ऐसा नहीं कि बस करना है काम, नहीं, दादी जी कहती थी कल जैसे किया आज के कार्य में उससे नवीनता होनी चाहिए। जैसे हम साधारण कार्य भी कोई करते हैं, या कोई प्रेजेंटेशन करते हैं, या कोई डिजाइनिंग करते हैं घर की, तो क्या कहते हैं, पिछली बार ऐसा बनाया था, इस बार ये बनाएंगे, करते हैं ना चेंज हम। दादी जी में कर्म की भी, सिर्फ भोजन या सेटिंग या पहनावे में नहीं, किसी भी कार्य की लीडरशिप में भी दादी जी नवीनता चाहती थी। दादी कभी मिलती भी थी तो क्या कहती थी, कभी भी नहीं कहती थी और कैसे हो, हमेशा कहती थी अच्छा क्या नया समाचार लाई हो, नया समाचार, वही पुरानी बातें नहीं, कोई आया मैंने सुनाया, वो आ गया वो चला गया, नहीं, हमेशा कहती थी नया समाचार क्या लाई हो, नया प्लान क्या बनाया है, अच्छा सेवा करी है तो VIPs कौन से निकाले हैं। हमेशा दादी जी को कुछ ऐसी सेवाओं में नवीनता क्या लाई उसको जानने की जिज्ञासा होती थी। और यदि कोई साधारण रीति कोई सेवा करके दादी के सम्मुख पहुंचता था तो दादी उसको कैसे और विशेष सेवा करनी है, उसकी प्रेरणा किस प्रकार देती थी, वो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।